सुविधा उपलब्ध करवाई गई, फ्री में उपचार की व्यवस्था कराई गई और फ्री में वैक्सीन भी इस समाजवादी तमाम प्रकार के झूठे अफवाह फैला रहे थे। लेकिन भाइयों बहनों, आखिर यही वैक्सीन कोरोना जैसी महामारी से बचाव में कारगर साबित हुआ और वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाने का काम, डबल डोज के अलावा प्रिकॉशन डोज भी फ्री में देने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार थी तो बिना चेहरा देखे डबल डोज राशन का देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर गरीब को किया। कोई ये नहीं कह सकता कि योजनाओं में कोई भेदभाव किया हो। 45 लाख गरीबों को हम लोगों ने अब तक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाया है। 2,61,00,000 गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में, 10 लाख गरीबों को शहरी क्षेत्र में एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। 15 करोड़ गरीबों को राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 1 करोड़ वृद्धजनों को, निराश्रित महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए महीने की पेंशन की सुविधा, 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 2,44,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है। 1,43,00,000 गरीबों को हम लोगों ने अब तक प्रदेश में बिजली के फ्री कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। और भाइयों बहनों, 1,63,00,000 से अधिक गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए हैं। कोई नहीं कह सकता कि किसी का चेहरा देख करके योजना का लाभ दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश का नागरिक है, पात्रता की श्रेणी में आता है, उसके कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, प्रदेश के किसी भी जनपद का हो, हमने योजना उस तक पहुंचाने का काम किया, बिना भेदभाव के योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम किया। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त भी हुआ है। दंगों में अगर एक पक्ष का जलता था तो दूसरे पक्ष का भी जलता था, एक का नुकसान होता था दूसरे का भी नुकसान होता था। हम लोगों ने तो कहा कि भाई प्रदेश को दंगा मुक्त करना है, कर्फ्यू मुक्त करना है, और दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त हुआ तो प्रदेश में निवेश आना प्रारंभ हुआ, प्रदेश में रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ, लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे